फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग टर्निप ऐप से लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पे। ये एक फ्री ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है टर्निप और ये ऊपर आ जाएगा सबसे। ये अभी अर्ली एक्सेस ऐप ही है, तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप इधर सेटिंग में जाके आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना सिर्फ यूट्यूब का अकाउंट ऐड किया है क्योंकि मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीम करता हूँ, फेसबुक पे मैं नहीं करता, तो इसलिए फेसबुक ऐप नहीं ऐड किया है। अगर आप लोग फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री होगा, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसमें लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज, उसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है, जैसे ओमनेट आर्केड। और आप स्ट्रीम लैब से तो कर ही नहीं सकते हैं, उसका कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप प्रीमियम के बाद भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं दो प्लेटफॉर्म पे एक साथ। तो अभी आपको आगे लेके चलते हैं स्ट्रीम सेटअप में, आपको आगे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना गेम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, गरीना, फ्री फायर, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली मोर गेम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। उसके बाद आपको मोर दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ से आपको आपके जो मोबाइल फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड हैं वो आपको दिख रहे होंगे। आपको आप गेम्स सारे ऐप आपको दिख जाएंगे, आपको उसमें से अपना गेम सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपने लिए, मैं आपको बस डेमो पर्पस के लिए GTA San Andreas सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे कुछ फीलिंग्स पूछेगा जो कि नेसेसरी नहीं होता है, बट आप दे सकते हैं। आपको ऐप जो है सो इसी के अकॉर्डिंग टू आपका डिस्क्रिप्शन और स्ट्रीम टाइटल बना के देगा, जो कि वो आपको प्री सेट दे देगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने जो चीज़ सेलेक्ट किया, जो चीज़ सेलेक्ट हुआ था मेरा सरप्राइज इंग्लिश, तो वो फिर यहाँ पे आ गया है स्ट्रीम टाइटल में, प्लेइंग सोलो। आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, GTA San Andreas लाइव स्ट्रीम, मैंने ये दे दिया, बस हो गया। आप चेंज कर सकते हैं इसे, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैं अभी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम क्वालिटी पूछेगा कि आप कौन से क्वालिटी में स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेड, तो मेरा यहाँ पे 360p है, बट मैं 720p पे यूजुअली स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि मुझे स्पीड मिल जाता है उतना। तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम होगा तो आप लोग कम 480p यूज़ कर लेना, और आपके पास डाटा भी होना ज़रूरी है उसके लिए। और नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्राइवेट स्ट्रीम करके, तो इसे आप लोग को ऑफ ही रहने देना, इसे सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसे सिलेक्ट करिएगा तो आपका स्ट्रीम प्राइवेट हो जाएगा, उसे कोई भी नहीं देख पाएगा, तो स्ट्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इसे हम लोग ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो मैंने यूट्यूब अकाउंट ऐड किया हुआ, मैं यूट्यूब सेलेक्ट करूँगा, फेसबुक में मैं नहीं करना चाहता और मैंने कभी किया भी नहीं है, तो वो आगे मैं जब करूँगा तब की बात है। तब तक के लिए फिर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा स्ट्रीम प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद इधर मेरा ये माइक है और वीडियो का है, अगर मैं माइक ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं माइक ऑफ़ कर सकता हूँ, और ये मेरा वीडियो का है तो मैं वीडियो अभी ऑन नहीं करूँगा। उसके बाद उसके नीचे है ओवरले का ऑप्शन है, तो ओवरले आपको तीन चार ऐसे मिल जाएंगे आपको पहले से ऐप में, जो कि फ्री है। आप अपना कस्टम ओवरले भी ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी एक ओवरले चूज कर सकते हैं। और इसमें अपना फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी नंबर देना है, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा स्टार्ट नाउ करके, तो आपको स्टार्ट नाउ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका गेम लॉन्च हो जाएगा, लेकिन आपका स्ट्रीम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको आगे एक बार और क्लिक करना रहेगा, जो कि ये अभी सर्कल जो आ रहा है आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए, इस सर्कल के मिडिल में एक बार क्लिक करना है, तभी आपका लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा। तो
फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, काफ़ी सिंपल था। अगर आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।